नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं डॉशाला। बिफोर वी स्टार्ट, एक जरूरी सूचना। अगर आप किसी सॉन्ग का कैरोके ढूंढ रहे हैं और वो आपको नहीं मिल रहा है या अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है कि मेरे इस दूसरे चैनल को, जो कि डेडिकेटेडली कैरोके के लिए ही बनाया गया है, आप उस चैनल पर जाके अपने सॉन्ग का कैरोके ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। फिर भी ना मिले तो आपको क्या करना है कि आप मेरे उस चैनल के किसी भी वीडियो पर जाके कमेंट बॉक्स में अपने सॉन्ग की रिक्वेस्ट डाल दीजिए, वो जल्दी ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, मेरे इस चैनल को थैंक्स का ऑप्शन मिल गया है, तो अगर आप चाहें इस चैनल को सपोर्ट करना तो आप थैंक्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। हियर वी गो। दोस्तों, एक होता है कंप्लीट अरेंज सॉन्ग और दूसरा होता है डेमो सॉन्ग या कॉन्सेप्ट सॉन्ग। डेमो सॉन्ग या कॉन्सेप्ट सॉन्ग क्या होता है कि उसमें आपके दिमाग में जो कॉम्पोजिशन है, जो आप विजुलाइज कर पा रहे हैं, उसी को आप एक बेसिक शेप देते हैं, एक साउंड के रूप में आप उसको विजुलाइज कर लेते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी मूवी के बनने से पहले या किसी एनिमेशन मूवी के बनने से पहले स्टोरी बोर्ड बनाया जाता है। स्टोरी बोर्ड में क्या होता है, हर एक सीन का एक स्केच बनाया जाता है, वो सारे करेक्ट एंगल, करेक्ट लाइटिंग, करेक्ट मूव, सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं, ताकि जो पूरी यूनिट है, पूरी टीम, सबको पता पड़ जाए कि ये सीन हमें शूट करना है, इस तरह से इसका आउटपुट आना चाहिए। वैसे ही डेमो सॉन्ग का होता है कि आप, अगर आपके दिमाग में कोई कॉम्पोजिशन है, आप उसका जो साउंड, जिस तरह का बिहेवियर चाहते हो, जिस तरह का एनवायरनमेंट उसके लिए चाहते हो, जिस तरह की थीम रखना चाहते हो, वो सारा कुछ आप एक डेमो सॉन्ग में बना देते हैं और उसके बाद आप चाहें तो उसे किसी बड़े प्रोड्यूसर के पास, किसी अरेंजर के पास ले जाते हैं और उसे प्रॉपरली अरेंज करवा लेते हैं। या आप इसलिए भी उसको यूज़ करते हैं कि आप अपने उस कॉन्सेप्ट को, अपने उस आइडिया को आप कॉपीराइट करवा लेते हैं, या आप इसलिए भी कर लेते हैं कई बार कि आपने जो कॉन्सेप्ट अभी सोचा है, आप अभी उस सॉन्ग पे काम नहीं करना चाहते। सपोज आपके पास टाइम नहीं है, आप उस पर कुछ महीनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद काम करना चाहते हैं, लेकिन तब तक आप भूल ना जाएं, तो आप अभी उसको एक डेमो सॉन्ग के रूप में बना के रख लेते हैं। या इसलिए भी कर लेते हैं कि ताकि आप बाकी लोगों को समझा पाएं कि ये मेरा सॉन्ग है, ऐसा मेरा आइडिया है, आप इसका क्या करना है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके, पर ये बनाया ऐसे जाता है कि आप अपना जो कॉन्सेप्ट है, उस आइडिया को एक बेसिक शेप दे दें। कंप्लीट अरेंजमेंट सॉन्ग क्या होता है, जिस सॉन्ग को आप रिलीज करने वाले हैं पब्लिशिंग लेवल या ब्रॉडकास्ट लेवल, बेसिकली वो लेवल है, मतलब कि उसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। डेमो सॉन्ग में लेयर्स कम होती हैं और इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, क्योंकि इसमें हर डिटेल आप जो भी चाहते हैं वो ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये जब आप पूरी दुनिया के साथ शेयर करने वाले हैं तो उसको उसी लेवल तक कंप्लीट करते हैं। हालांकि क्रिएटिविटी की खासियत है कि उसमें हमेशा एक विंडो खुली रहती है, मतलब ये कि आप इसके बाद आप कितने भी उसके अलग अलग वर्जन बना सकते हैं, मतलब कि चाहे आप उसको रिमिक्स कर दें दोबारा, रीअरेंज कर दें दोबारा, उसका अकुस्टिक वर्जन बना दें, अनप्लग वर्जन बना दें, एकापेला बना दें या कुछ और बना दें, लेकिन वो सब उसके वर्जन्स कहे जाएंगे फिर उसके बाद। तो इसीलिए उस पर ज़्यादा अच्छे से डिटेल में काम किया जाता है, टाइम लगा के काम किया जाता है कंप्लीट वर्जन पे। लेकिन डेमो वर्जन कैसे बनाया जाए, तो चलिए आज यही जानने की कोशिश करते हैं कि एबल्टन लाइव में हम ये डेमो वर्जन कैसे बनाते हैं। सो लेट्स जंप इन टू द एबल्टन लाइव। ओके दोस्तों, हम आ गए हैं एबल्टन की स्क्रीन पर। फाइल पर जाएंगे, न्यू सेट, न्यू लाइव सेट कर देंगे और ये सर से खुल जाएगा। दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, फटाफट से हेडफोन पहन लीजिए, अदरवाइज़ कुछ नहीं समझ में आने वाला कि मैं क्या बना रहा हूँ। ठीक है, तो हेडफोन्स पहन के आप ये स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं हेडफोन पहने तो पॉज कर दीजिए वीडियो को, फटाफट से जाइए हेडफोन पहनिए और फिर आइए। हेडफोन, ईयरफोन जो भी आपके पास है वो पहन लीजिए। लाइब्रेरी खोलेंगे यहाँ से, इस वाले एरो से, अगर नहीं खुली है तो। अगर आपके पास मिडी कीबोर्ड है तो इसको असाइन करने के लिए क्या करना है, मिडी की पे आप क्लिक करेंगे, जिस भी की को आपको असाइन करना है उस पर क्लिक कीजिए, जो भी आप की दबाएंगे अपने कीबोर्ड में वो उससे असाइन हो जाएगी। असाइन होते ही यहाँ पे कुछ नंबर दिखाने लग जाएगा, मतलब कि असाइन हो चुका है। ठीक है, मैं इसको समझाने के लिए बताया था, मैं पर इसको प्रॉपरली इसको असाइन करता हूँ। रिकॉर्डिंग बटन ये रहा, स्टॉप बटन, प्ले बटन क्योंकि सबसे ज़्यादा ये यूज़ होने वाले, और लूप बटन। मेट्रोनोम को भी मैं असाइन कर लेता हूँ एक की के साथ, मेट्रोनोम हो गया असाइन। अच्छा, आप जैसे ही असाइन करते हैं ना तो ये एक विंडो खुल जाती है, यहाँ पे जो भी कीज़ आप असाइन करेंगे वो सब दिखने लगेंगे, अगर वो नहीं दिख रही तो कुछ भी असाइन नहीं हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमें एक मेलेडी लेयर बनानी है, तो जो भी मेलेडी, जो भी धुन आपके दिमाग में है उसको पहले क्रिएट करना है, लेकिन वो बीट के साथ चले, इसके लिए आप मेट्रोनोम ऑन कर लीजिए। टेम्पो जो भी आपको चाहिए वो सेट कर लीजिए, टैप करके जैसे पिछली बार बताया था वो कर सकते हैं। मुझे लगता है फिलहाल मैं 120 के साथ जाऊंगा, तो अभी मैंने असाइन नहीं किया, सबसे पहले असाइन कर लेता हूँ, एक पियानो में डाल लेता हूँ। आप यहाँ पे सर्च करके पियानो आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल ले रहा हूँ ग्रैंड पियानो, आप कोई भी दूसरा पियानो यूज़ कर सकते हैं।
तो मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, आप सेशन व्यू में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रैंड पियानो नाम हो चुका है इसका। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं ग्रैंड पियानो नाम हो चुका है। ठीक है, तो अभी रिकॉर्ड करते हैं इसको। ये अगर आर्म्ड नहीं है तो आप इसको आर्म कर दीजिए क्लिक करके। ठीक है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, ये रीनेम भी हो जाता है और ये आर्म भी लिखा जाता है। वो हो गया, अब क्या करता हूँ मैं इसको प्ले करके देख लेता हूँ। ठीक है, मेट्रोनोम के साथ प्ले कर रहा हूँ ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि कितना ये होना चाहिए। ठीक है, आई एम हैप्पी विद द साउंड। तो चलिए फटाफट इसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 बार रिकॉर्डिंग की बजाय आप 2 बार रिकॉर्डिंग, ताकि आप ज़्यादा कंफर्टेबल होकर इसको रिकॉर्ड कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। तो ये प्री काउंट आएगा 2 बार्स का। रेडी। ठीक है, तो हमने मेलेडी लाइन रिकॉर्ड कर लिया है। मेट्रोनोम इसलिए यूज़ किया ताकि हम बीट से आउट ना हो। आप चाहें तो इसको टैब दबा के अरेंजमेंट व्यू में आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ चुके मेलेडी, हम प्ले करके देख लेते हैं एक बार क्या चल रहा है। ठीक है, कुछ भी मिसिंग नहीं हुआ, प्रॉपरली अलाइंड है मेलेडी। आ गई, अब हमें एक ड्रम चाहिए ताकि हमें बाकी के इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करते टाइम वो फील आ सके। आप कोई भी बीट ले सकते हैं, मैं फिलहाल ये वाली बीट ले रहा हूँ। अच्छा, ये साउंड अगर आ रही है, मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया है, स्टॉप करने के लिए स्पेस बार दबा दीजिए। यहाँ से भी आप इसको जो आइकन है हेडफोन का उसको दबा के भी इसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इस बीट को यहाँ आएंगे और इसको छोड़ देंगे इस खाली जगह पे। थोड़ा सा टाइम लेगा, बीट आ गई। अब इसको लूप करने के लिए जैसे इसके बिल्कुल एज पे आएंगे ऊपर की तरफ, तो ये वाला आइकन आ जाएगा। आप इसको ड्रैग कीजिए और जितनी भी लंबी आपका सॉन्ग है उसको वहाँ तक ले जाइए। ठीक है, आप सुन लेते हैं एक बार इसको। ये आप हमें चाहिए एक बेस। ठीक है, बेस आप यहां से सर्च भी कर सकते हैं, बेस BASS, और आपको साउंड्स में जो भी बेसिस होंगे वो सब दिख जाएंगे। अब हमें एक मिडी ट्रैक भी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सेशन व्यू में आएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एक चैनल क्रिएट हो जाएगा विद द नेम ऑफ दिस, आर्म सेलेक्टेड होगा। तो अब हम इसको सीधे ही प्ले कर देंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसी व्यू में रहकर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे अरेंजमेंट व्यू पे भी आ सकते हैं। मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा फॉर अ चेंज मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। इसको रिकॉर्डिंग बटन ऑन करते हैं और बेस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, हमने रिकॉर्ड कर लिया है। हालांकि अभी क्या हो रहा है, बेस की आवाज़ बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, बहुत लाउड है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से, क्योंकि हम सेशन व्यू में हैं तो यहीं पे हमें मिक्सर दिख रहा है। सेशन व्यू और मिक्सर व्यू एक ही चीज़ है यहाँ पे, बाकी डॉज में मिक्सर अलग से ओपन होता है, यहाँ पे ये ही सेशन व्यू है, यही इसका मिक्सर व्यू है। अब आवाज़ सुन लेते हैं कितनी ज़्यादा लाउड है। आई थिंक अभी ठीक लग रही है मुझे। तो अगर आपने हेडफोन पहन रखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा अंतर, नहीं पहने होंगे तो ये समझ में नहीं आने वाला। अब हमें चाहिए एक पैड ताकि इसका जो एक वॉर्म था इसमें एक फील आए थोड़ा सा, है ना। ठीक है, ये ऐड करते हैं, ये ऐड करते हैं। तो इसको उठाते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो हमारे पास हमारा ये जो पैड है वो आ चुका है। तो चलिए इसको भी रिकॉर्ड करते हैं, अब की बार करते हैं इसको सेशन व्यू में जाके। रिकॉर्डिंग बटन ऑन किया, ये ऑलरेडी आर्म है।
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी रेडी है। अच्छा, हमको ये दोनों चीज़ें ऊपर कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न कम रहे। ऑल्ट दबा के आप इसको वर्टिकली जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने पैड भी रिकॉर्ड कर लिया है, तो ये हमारी रिकॉर्डिंग ऑन है। शुरू से करते हैं स्टॉप करके, और ये भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ रिकॉर्ड कर ली। अब क्या करते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। मेलेडी को हम करते हैं थोड़ा सा पैनिंग इसकी लेफ्ट की तरफ थोड़ी सी, ठीक है। किट को हमें कुछ नहीं करना, बेस को भी कुछ नहीं करना, बेस को हम कर चुके हैं, और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा राइट की तरफ लिटिल बिट, ठीक है। और हमने ये स्ट्रिंग ली है, इसको भी हल्का सा ज़्यादा लाए राइट की तरफ, इसका वॉल्यूम भी कम करते हैं। थोड़ा सा ड्रम को भी कम करते हैं, ज़्यादा भी ज़्यादा लाउड है वो। ठीक है, तो हमने थोड़ा थोड़ा पैनिंग कर दिया ताकि सारी चीज़ें सुनाई दें। तो ये हो गया जी हमारा एक सेशन। रिकॉर्ड कर लेते हैं अपना ऑडियो भी, तो ऑडियो पे आएंगे और एक रफली रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी कोई माइक कनेक्टेड नहीं है, तो मैं लैपटॉप के माइक से ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। सुबह आता है, शाम हुई ढल जाता है, जिंदगी नई लाता है, दिन बदलता जाता है। कैसा है ये दिन, ये दिन, ये दिन, ये दिन, कैसा है ये दिन, ठीक है। तो हमने रफली रिकॉर्ड कर लिया है बहुत गंदी सी आवाज़ में, लेकिन फ़िलहाल समझाने के लिए बहुत है। इस ऑडियो ट्रैक की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ डेमो बनाना था। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं इस पर, राइट क्लिक करके डिलीट या सेलेक्ट करके आप डिलीट की भी दबा सकते हैं, और इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं भाई को सबको, ताकि दिखने में ये नीले पीले रंग बढ़िया लगे। चलिए, हमारा काम डन। पहले तो बेसिक अरेंजमेंट के लिए ध्यान रखना है, मल्टीपल और चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम बेस लाइन होनी चाहिए, ड्रम होना चाहिए, मेलेडी लाइन होनी चाहिए, और एक साथ में कोई पैड या स्ट्रिंग होनी चाहिए ताकि उसका फील बना रहे। सो दोस्तों, आज हमने जाना कि एबल्टन लाइव में कैसे एक डेमो सॉन्ग को क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये है कि आपको जो भी आज आपने सीखा उसके हिसाब से जो भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है उस पे आप काम कीजिए, उसको एक सॉन्ग की शेप दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ओरिजिनल कॉम्पोजिशन पे काम करें, आप चाहें तो किसी भी सॉन्ग को का कवर सॉन्ग बना सकते हैं आप, या किसी भी सॉन्ग को रीअरेंज कर सकते हैं अपने तरीके से, अपने हिसाब से, और उसको आप अपलोड कर दीजिए या तो यूट्यूब पर या साउंड क्लाउड या किसी भी और साइट पर, जिसका लिंक आप मुझे शेयर कर सकते हैं, और वो लिंक पर मैं जाके कमेंट कर दूँगा आपको, रियल फीडबैक दूंगा। मतलब ये नहीं कि यस ब्रो बहुत बढ़िया, गजब, रॉकिंग, वो वाला नहीं, फेक वाला नहीं, असली फीडबैक, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या अच्छा हुआ
क्या गड़बड़ हो गया, क्या चीज़ और बेटर हो सकती थी, ताकि आपको और सीखने का मौका मिले, आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ और मुझे भी ये जानने का मौका मिले कि आपने मेरे इन ट्यूटोरियल से क्या सीखा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, पुनः दर्शनाय, मतलब कि फिर मिलेंगे विगम।